लास्ट स्पीकर अर्जुन मेघवाल। थैंक यू सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत कम समय में, 2-3 मिनट में, बहुत छोटे छोटे बिंदु बट वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उनके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2009 के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। क्या ये कंपटीशन कमीशन के अंडर में आएगा ये विषय? आज हम राजस्थान में पेट्रोल कुछ और भाव से लेते हैं और वहीं अगर हम पंजाब में चले जाएं तो और भाव हो जाता है, गुजरात में तो चले जाएं सेल्स टैक्स दे, डिफरेंट इज सेल्स टैक्स। नहीं तो लेकिन ये क्या है, ये कार्टिंग है? नहीं लेकिन ये सिस्टम देखना पड़ेगा, ये सिस्टम देखना पड़ेगा बोलो, ये बोलो। क्या है ये? इस सिस्टम को ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़ दिया, स्टेट की सेल टैक्स के साथ जोड़ दिया, लेकिन ये पेट्रोल पंप के भी जो मालिक हैं उनके हितों पे भी कुठाराघात है और जो कंज्यूमर है, पेट्रोल पंप पेट्रोल लेता है उसके लिए भी कुठाराघात है। उसको राजस्थान से पंजाब जाना पड़ता है ट्रैक्टर ऑनर को तेल लेने के लिए। इसको भी, इस कंपटीशन को भी, कंपटीशन कमीशन को इसमें देखना चाहिए। दूसरा मैं ये बिंदु कहना चाह रहा था कि कुछ चीजें कंपटीशन कमीशन के परवी से भी बाहर होनी चाहिए, जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट के आइटम। अगर वो आइटम कोई परचेज करने हैं, कोई आर्टिजन ही बना रहा है उसको, हैंडलूम का कोई आइटम है, कोई आर्टिजन ही बना रहा है, तो वो इसके परवी से बाहर होना चाहिए। वो तो उसकी बरसों की लेबर है, जिसके कारण से उसका हाथ का हुनर है, जिसकी वजह से वो बना रहा है, वो भी उसके परवी से बाहर होना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान इस एक्ट में है नहीं, वो किया जाना चाहिए, नहीं तो वो जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के जो लोग हैं वो उससे परेशान हो सकते हैं। तीसरा आइटम मैं मान्यवर कहना चाह रहा हूं कि जो अभी WTO के जमाना आ गया, उदारीकरण हो गया, बाजार खुल गया, ये बात सही है, लेकिन हम जब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि रिटेल प्राइस कुछ और होती है, उस पर लिखा रहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंटेड, और उस दुकानदार की एक स्टिकर चिपका रहता है वो कुछ अलग होता है, दाल में भी चिपका रहता है, सब जगह चिपका रहता है। क्या वो कंपटीशन कॉर्पोरेशन के परव्यू में आएगा? ये 2-3 छोटे छोटे बिंदु थे जो मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।